हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे। अब आज कुछ और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो सीट के अलावा जो मैंने और रिसर्च की है कुछ क्वेश्चनों पे। तो क्वेश्चन दिया है x-y+z (ratio y-z) + 2w (ratio 2x+z-w) = 2:3:4। फाइंड 2x+2z-w (ratio w)। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या अप्रोच रहेगी। अब अपॉन में मुझे w दिख रहा है इधर, रेशियो तब बनेगा जब ऊपर भी w के टर्म्स में कुछ हो, क्यों, क्योंकि w से w कैंसिल हो जाएगा और एक यूनिटलेस या नंबर में हमें क्वांटिटी मिल जाएगी। लेकिन अब ऊपर वाला w के रेशियो में कैसे बनेगा, तो ऊपर वाला w के रेशियो में कैसे बन सकता है। मैंने देखा ऊपर ऊपर क्या है, 2:3:5 है। अब इसका क्या मतलब, ये नहीं होता 2+3 = 5 ही तो होता है। तो यहीं से मुझे इस सवाल को सोचने की हिंट मिली कि इसमें दिया है 2:3, 2+3 = 5। अगर 2+3 = 5 होता है तो x-y+z+y-z+2w = 2x+z-w। अब यहाँ पे बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, और अगर बाई से बाई कैंसिल होगा और जेड से जेड भी इधर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 2x उधर जाएगा ये, तो x x और ये 2w और ये w इधर आएगा, तो और ये जेड तो उधर है ही, तो x+z = 3w। तो x+z यहाँ से कितना आ गया, क्यों, क्योंकि ये एक्स उधर जाएगा तो एक एक्स बचेगा, और ये जेड तो उधर था ही, तो +z, और ये माइनस का डब्ल्यू इधर आएगा, तो 2w+w = 3w। x+z = 3w। अगर x+z = 3w तो यहाँ पर रख देंगे 2x+z हो जाएगा, ये 2x+z-w (ratio w)। अब x+z = क्या है, 3w के बराबर है। x+z की वैल्यू किसके बराबर है, 3w के बराबर। तो (into 3w-w)/(w). अब w से w कैंसिल हो जाएगा, 2 (3-1) 2 (3-1) कितना हो जाएगा, 5/1। और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसको सोचने की इंट कहाँ से मिली कि नीचे w दिख रहा था, तो अगर ऊपर वाला टर्म भी w में होगा तभी सॉल्व होगा, क्योंकि रेशियो चाहिए तो रेशियो w से w कैंसिल हो जाएगा। तो अब ऊपर वाला w कैसे बन सकता है, ऊपर वाला w के टर्म्स में, ऊपर वाला w के टर्म्स में बनाने के लिए यहाँ से 2x+z दिख रहा है, तो x+z की कुछ ना कुछ वैल्यू निकलनी चाहिए w के टर्म्स में, क्योंकि ये तो पहले से ही w है, तो x+z बचना चाहिए। तो मैं देखूंगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा और x और z के टर्म्स में बच जाएगा, और ये x और z के टर्म्स में पहले से ही है। तो 2+3, यहाँ पर 2+3 = 5 कर दिया, तो 2+3 = 5, तो x-y+z (y-z+w) = 2x+z-w। यहाँ से x+z की वैल्यू कितनी आ गई, 3w आ गई, और इस इक्वेशन में पुट कर दी 2x+z की वैल्यू, 3w पुट कर दी, और अगर x+z की वैल्यू 3w थी तो 2 (3-1) कितना हो गया, 5:1, और यही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या है, a-b (ratio b-c) (ratio c-d) = 1:2:3। फाइंड a+d/c। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह, इसमें क्या है कि मैंने क्या बताया था, पिछले वाले में w था, अब ये c नीचे है अपॉन में, c रेशियो में नीचे है, और ऊपर वाला भी c के टर्म्स में होगा तो ही रेशियो बन पाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऑप्शन भी क्या दिए रहेंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऑप्शन दिए हैं। अगर इस क्वेश्चन के ऐसे ऑप्शन दिए तो हमें पता है कि रेशियो की फॉर्मेशन हो रही है एक यूनिटलेस क्वांटिटी की। तो a+d अगर c के टर्म्स में होगा तो ये सॉल्व हो पाएगा, जिससे c से c कट जाएगा और एक रेशियो बन पाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखा, अगर a+d को c के टर्म्स में लाना तो पहले तो b को खत्म होना पड़ेगा, और b को कैंसिल करने के लिए यहाँ से अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो b कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर मैं इसके इक्वल रखता हूँ तो 1+2 = 3। 1 की वैल्यू क्या है, a-b + b-c, क्योंकि b से भी जिससे कैंसिल हो जाए, (c-d). अब यहाँ पे क्या हो गया, b से भी कैंसिल हो गया, b से भी अगर कैंसिल हो गया तो ये इधर आएगा d माइनस का, तो इधर प्लस का हो जाएगा, a+d = 2c।
तो ए प्लस डी की वैल्यू क्या है, टू सी आई। अब ए प्लस डी की वैल्यू क्या रख देंगे, टू सी, तो टू सी अपॉन सी कैंसिल होकर क्या आंसर आ जाएगा, टू। टू कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। तो इस टाइप के हमने दो क्वेश्चन जाने, इनमें क्या करना पड़ता था हमें कि अगर नीचे कुछ अपॉन में दिया है तो उसके टर्म्स में ऊपर वाला बना के, और वो कैसे बना सकते हैं, मुझे यहाँ से हिंट मिल जाती कि 1:2 यानी 1+2 इक्वल टू 3 होता है, तभी ये रेशियो दिया है। तो 1+2 इक्वल टू 3, और ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू सी माइनस डी। तो यहाँ से ए प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई, टू सी आ गई। और अगर ए प्लस डी की वैल्यू टू सी आ गई, तो टू सी को यहाँ पर रख दिया, टू सी अपॉन सी इज इक्वल टू 2। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो मैंने फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने का क्या तरीका बताया था, एक फॉर्मूला भी बताया था। अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स है और ए बी सी तीन नंबर हैं, उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, तो क्या था, बी सी अपॉन ए, ये फॉर्मूला भी था। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी सी अपॉन ए। अब यहाँ पे बी कौन है, एक्स प्लस वाई, बी कौन है, एक्स प्लस वाई, और सी कौन है, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर और बी का स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आ गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इसका आंसर क्या आ गया, वन आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, कैसे निकाला, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए, अगर तीन नंबर ए बी सी किस में, प्रोपोर्शनल में, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ से एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में दिया था, तो ये कैंसिल होकर कितना आ गया, बना आ गया। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देर आर ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट इन एन ऑफिस, इफ 15 असिस्टेंट वेंट ऑन लीव, एवरी असिस्टेंट हैज टू ऑफिसर्स। पहले तो जो भी क्वेश्चन में लैंग्वेज में दिया है उसको केयरफुली पढ़ना है, फिर उसके बाद उसको नोट डाउन करते जाना। जैसे पहले रहे होंगे क्या, ऑफिसर और असिस्टेंट, फिर क्या हुआ, इफ 15 असिस्टेंट वेंट ऑन लीव, अगर तो यहाँ पर कितने हो गए, ए माइनस 15 हो गए, ए माइनस 15 हो गए, और ऑफिसर उतने ही रहे, तो उनका रेशियो क्या हो गया, एवरी असिस्टेंट एज टू ऑफिसर। तो मतलब एवरी असिस्टेंट एज टू ऑफिसर, इस बात का मतलब क्या हुआ कि हर एक असिस्टेंट पे कितने ऑफिसर हैं, दो। तो मतलब अब उनका रेशियो क्या बन गया, 2:1, क्योंकि हर एक असिस्टेंट पे कितने ऑफिसर हो गए, दो। लेकिन उसके बाद में अब क्या हुआ, उसके बाद में क्या कंडीशन दे रहा है, आफ्टर दैट 45 ऑफिसर्स वेंट ऑन लीव। तो फिर क्या हो गया, ओ माइनस 45, ये यहाँ तक था। फिर इसके बाद O-45 रेशियो A-15, क्योंकि अब असिस्टेंट तो उतने के उतने ही हैं, पहले जो A-15 थे जाने के बाद, 15 माइनस होने के बाद, तो अब भी A-15, अब भी A-15 है, और फिर -45 हो गया ये ऑफिसर। तो ऑफिसर अब कितने बचे, O-45, और असिस्टेंट कितने होगा, A-15। तो फिर क्या बोल रहा है कि एवरी ऑफिसर हैज 5 असिस्टेंट, मतलब अब ऑफिसर और असिस्टेंट का रेशियो कितना है, ऑफिसर और असिस्टेंट का रेशियो है 1:5, 1:5। अब एक चीज देखो, क्योंकि यहाँ पे ये इतना हो गया, यहाँ पे भी असिस्टेंट A-15 थे, यहाँ पे भी A-15 है, लेकिन यहाँ पे तो 1 यूनिट को शो कर रहा है, यहाँ पे 5 यूनिट को शो कर रहा है। तो मैंने बोला था जो चीज़ इक्वल नहीं है और इक्वल होनी है उसको क्या बनाना है, इक्वल। तो 1 और 5 को, यहाँ क्योंकि यहाँ पे भी A-15 है, यहाँ पे भी A-15 है असिस्टेंट, अगर शुरुआत में ए थे, तो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 5 है, तो 1 और 5 को इक्वल बनाने के लिए क्या करते थे, उनके LCM पे इक्वल बनाएंगे, और उनका LCM क्या होता है, 5 होता है, तो इसको 5 बना लेंगे, ये तो पहले से ही 5 था। अब ये 2 × 5 हो गया 10, और ये 1, तो अब ये कब हो गया 2 × 5, ये 10 यूनिट रह गया, और ये कितना यूनिट, ये 10 यूनिट था, तो कितने यूनिट रह गया थे, ऑफिसर अब 1 यूनिट रह गए। क्यों रह गए, क्योंकि 45 चले गए, तभी तो जब शुरू, जब असिस्टेंट के जाने के बाद कितने थे, 10 यूनिट थे, लेकिन जब ऑफिसर, जब 45 ऑफिसर गए और असिस्टेंट उतने के उतने ही रहे जितने कि A-15 थे, तो बाद में भी A-15 ही रहे। तो यानी कि बाद में तो सिर्फ ऑफिसर गए हैं, तो ऑफिसर यहाँ पे ये तो इक्वल ही है, 5 है और ये भी 5 है,
तो ऑफिसर कितने गए हैं? 45, 45 गए हैं, लेकिन यहाँ पर कितने यूनिट गए हैं? या मैं कहूँ 9x गए हैं, क्योंकि रेशियो को ऐसे भी लिखा जा सकता है। 9x कितना के बराबर है? 45 के बराबर। अगर 9x 45 के बराबर है, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 5 के बराबर। अब हमें पूछा क्या, फाइंड द नंबर ऑफ असिस्टेंट इन द बिगिनिंग। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अरे यहाँ की बात करूँ मैं, अगर मैं इस 5 की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो क्या असिस्टेंट की टोटल कैलकुलेशन निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी। क्यों? क्योंकि असिस्टेंट तो यहाँ पे जो थे, यहाँ पे तो कितने ओके माइनस हो गए हैं, 15। क्योंकि शुरुआत में अगर ए थे, तो यहाँ पे कितने हो गए हैं, ए माइनस 15। तो यहाँ पे तो ए माइनस 15 की वैल्यू निकलेगी, ये 5 यूनिट की। लेकिन मैं इसके 5x की वैल्यू निकाल के मैं क्या कर दूंगा, 15 को ऐड कर दूंगा, तो शुरुआत के क्या रहे होंगे, असिस्टेंट रहे होंगे। तो मैं क्या करूंगा, 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5x की वैल्यू 25 आ जाएगी। और 5x की वैल्यू अगर 25 आ गई, तो असिस्टेंट टोटल कितने थे, ए माइनस 15, और ए ही क्या है, 5x है। असिस्टेंट शुरुआत में कितने रहे थे, ए, और ये किसकी वैल्यू है, लेकिन 25 किसकी वैल्यू है, ए माइनस 15 की। और ए माइनस 15 की वैल्यू 25 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। और ए ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या किया कि पहले क्वेश्चन में दिया था, जो भी दिया था वो लिख लिया, ऑफिसर और असिस्टेंट दो चीज़ों की बात की थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि असिस्टेंट, कुछ असिस्टेंट छोड़ के चले गए, कितने चले गए, इवेंट ओनली 15 असिस्टेंट, तो ए माइनस 15 हो गए। और ऑफिसर कितने ही थे, ओ ही थे, तो ओ इज टू ए माइनस 15 की अगर बात करें, तो कितना दिया रेशियो में, एवरी असिस्टेंट एज टू ऑफिसर। एवरी असिस्टेंट पे कितने ऑफिसर हैं, टू ऑफिसर हैं, मतलब हर एक असिस्टेंट पे, मतलब उनका रेशियो कितना, 2:1:2 का है। क्यों? क्योंकि हर एक असिस्टेंट पे कितने ऑफिसर हैं, दो, तो 1:2 का रेशियो हो गया। अब 1:2 का रेशियो होने के बाद फिर क्या हुआ, अगर वो ये बोल रहा है, अगर 45 ऑफिसर भी लीप पे जाते इस लाइन के बाद, अगर 45 ऑफिसर अब लीप पे गए हैं, तो अगर 45 ऑफिसर अगर लीप पे गए हैं, तो ये कितना हो गया, ओ माइनस 15, 45 हो गया। और अगर ये ओ माइनस 45 हो गया, तो क्या कहते हैं, ये तो सेम ही रहेगा, ए यहाँ भी ए माइनस 15 था, ए यहाँ भी ए असिस्टेंट की कैलकुलेशन यहाँ भी ए माइनस 15 थी, यहाँ भी ए माइनस 15 रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद सवाल में कुछ बोला ही नहीं है, इसके बारे में सिर्फ बोला है। तो उनका रेशियो फिर क्या बोला है, 1:5 बोला है। अब एक बात बताओ, इस लाइन के बाद क्या असिस्टेंट चेंज हुए हैं? यहाँ भी ए माइनस 15 थे, यहाँ भी ए माइनस 15 ही है, तो यहाँ पे तो लेकिन 1 रेशियो बनना था, यहाँ पे 5 बनना था। तो मैंने क्या बोला, जो चीज़ इक्वल बनानी है, और यहाँ पर अगर सेम है, तो उनको इक्वल बनाओ। और इक्वल कैसे बनाया जा सकता है, उनके एलसीएम पर बनाया जा सकता है। तो मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1:5 1:5, तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। और अगर ये 10 हो गया, और नीचे वाला कितना हो गया, 1 हो गया, तो नीचे वाला 1 और ऊपर वाला 10, तो मतलब इसका क्या हुआ, और असिस्टेंट जब ऑफिसर कितने थे, 10 यूनिट थे, किससे, जब 45 45 ऑफिसर छोड़ के नहीं गए थे, उससे पहले कितने थे, 10 यूनिट थे। लेकिन जब 45 छोड़ के चले गए, तो कितने हो गए, अब 45 छोड़ के चले गए, तो कितने यूनिट हो गए, 1 यूनिट या एक्स हो गए, और पहले कितने थे, 10x थे। तो अब इसमें तो सवाल में 45 छोड़ के गए हैं, लेकिन अगर मैं एक्स के कैलकुलेशन में देखूं, या यूनिट के कैलकुलेशन में देखूं, तो कितने छोड़ के गए होंगे, 9x छोड़ के गए होंगे। और अगर 9x छोड़ के गए होंगे, तो 9x की वैल्यू कितने के बराबर रही होगी, 45 के बराबर रही होगी। तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर रही होगी, 5 के बराबर रही होगी। और अगर एक्स की वैल्यू 5 के बराबर रही होगी, तो मुझे क्या पूछा है, असिस्टेंट की कैलकुलेशन पूछी है। लेकिन ये तो 5 यूनिट तो कब है, या 5x तो कब है, जब 15 चले गए थे उसके बाद ही तो 5x है, तो 5x कितने हो गए, 25 के बराबर। लेकिन ये किसकी वैल्यू है, ए माइनस 15 की, क्योंकि टोटल असिस्टेंट अपने ए माने थे। तो ए माइनस 15 की वैल्यू अगर 25 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सबको ये समझ में आया होगा। तो अपने बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या है इसमें, द रेलवे फेयर ऑफ एयर कंडीशनड एंड ऑर्डिनरी स्लीपर इज इन द रेशियो, कितने रेशियो में, 4:1। तो पहले तो मैंने वो यही बोला कि जो दिया है वो उसको लिख लेंगे, क्या दिया है, ऑर्डिन जो क्या कहते हैं, एयर कंडीशन और ऑर्डिनरी स्लीपर कितने रेशियो में, 4:1। ये क्या है, फेयर का रेशियो है, क्या है ये, फेयर का रेशियो है, किराया होता है उसका रेशियो फेयर का। फिर उसके बाद में द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवल्ड बाई एयर कंडीशन एंड ऑर्डिनरी स्लीपर इज इन द रेशियो, और उनके नंबर का रेशियो कितना है, उनके नंबर का रेशियो कितना है जो ट्रेवल हुए, वो 3:25 है। तो इज इन द रेशियो 3:25। इफ द टोटल कलेक्शन वॉज कितना है, 74,000, देन हाउ मच डिड एयर कंडीशन क्लास पे। तो अगर टोटल कलेक्शन इनका कितना बन रहा है, 74,000, तो उसमें ये पूछा है कि एयर कंडीशन क्लास कितना पे करेगा। तो टोटल कलेक्शन कैसे निकालते हैं, जो टोटल कलेक्शन निकालने के लिए मैंने कल भी बताया था, टोटल कलेक्शन कैसे निकालते हैं, जो फेयर है ऑफ वन पैसेंजर
फेयर ऑफ वन पैसेंजर। इनटू नंबर ऑफ पैसेंजर्स, यही तो होती है। तो टोटल कलेक्शन, तो टोटल कलेक्शन यहाँ से निकलती है। अब टोटल कलेक्शन, मैंने बताया था अगर रेशियो दिया है तो इस रेशियो से मैं क्या निकाल सकता हूँ, पहले तो टोटल कलेक्शन निकाल सकता हूँ कि इस रेशियो से निकाल सकता हूँ, मुझे एग्जैक्ट की जरूरत नहीं है। तो अगर नंबर, अगर इसका फेयर 4 रहा होगा और नंबर कितने हैं, 3 है, अगर नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं, 3 है, तो मतलब जो एयर कंडीशन का वो रहा, वो टोटल कलेक्शन रहा होगा वो 12:2, और इसका 1:25, तो 1:25 कितना हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई कैसे निकालते हैं टोटल कलेक्शन, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। फेयर ऑफ वन पैसेंजर, फेयर ऑफ वन पैसेंजर कितने रेशियो में, 4:1 के रेशियो में, तो अगर 4 रहा होगा इसका और नंबर ऑफ पैसेंजर 3 रहे होंगे तो 4:3 12 आ गया, और अगर बन रहा होगा तो 1:25 25 आ गया। तो अब ये क्या हो गया, ये रेशियो ऑफ आ गया, ये किसका रेशियो आ गया, कलेक्शन का रेशियो, किसका रेशियो आ गया, कलेक्शन का रेशियो, लग दे इधर, ये किसका रेशियो आ गया, कलेक्शन का रेशियो, कलेक्शन का रेशियो। अगर ये कलेक्शन का रेशियो आ गया तो अब ये कलेक्शन का रेशियो है, तो टोटल कलेक्शन तो कितनी हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि टोटल कलेक्शन है ही क्या, एयर कंडीशन और ऑर्डिनरी स्लीपर की, और कहाँ से आएगी, और कहीं तो है नहीं। तो 12:25 यानी कि 37x की वैल्यू कितनी दी है मुझे, 37 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है सवाल में, 74,000 के बराबर। और अगर 37 की वैल्यू मुझे 74,000 के बराबर दी है तो मुझे कितने की पूछी है, 12 की पूछी है, तो ये 2000 टाइम्स जाएगा, और अगर ये 2000 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24,000, और यही क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर फेयर दिया था एक पैसेंजर का कितने रेशियो में, 4:1 के रेशियो में, और नंबर का रेशियो दिया था 3:25, तो मैंने बोला था रेशियो से रेशियो तो निकाला ही सकता है, तो मैंने इससे रेशियो से रेशियो तो निकाला ही जा सकता है, तो कलेक्शन का रेशियो निकाल लिया 12:25। इसमें एयर कंडीशन का कितना है, 12 अगर है तो ऑर्डिनरी क्लास का कितना हो गया, 25 रेशियो हो गया। अब इन दोनों का रेशियो मिला के 37 हो गया, और 37 ही मिला के किसके बराबर दिया, 74,000 के बराबर दिया है, तो 37 की वैल्यू अगर 74,000 के बराबर है तो 12 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 24,000 के बराबर, और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और पहले मैं एक बात बता दूं, जिन लोगों को थोड़ा एक बार में देखने में वीडियो में कम समझ में आ रहा है तो वो वीडियो को दोबारा देख लें और रिपीट कर लें, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि एक बार में अगर हो सकता है समझ में ना आए तो दोबारा देख लेंगे, लेकिन ऐसी हो जाएगी अगर आपको एक बार समझ में आएगी तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही कॉन्सेप्ट जब आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लोगे तो आप बहुत से सवाल, अब अगर आप रेशियो को ही कर लेते हो तो आप बहुत से सवाल खुद से ही सॉल्व कर लोगे, अगर मैं जो बता रहा हूँ, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ते हो और बार बार प्रैक्टिस पे करते हो। तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ₹5,555 अमंग ABC, मतलब 5,555 रुपीज़ थे वो ABC में डिवाइड होने थे, किस रेशियो में, 1:4:1:5:1:6 के रेशियो में, लेकिन मिस्टेक से क्या हुआ, ये 4:5:6 के रेशियो में डिवाइड हो गए। तो ये पूछा था द अमाउंट इन एक्सेस रिसीव्ड बाय सी, तो सी को पहले जो अमाउंट मिला था, एक्सेस का मतलब क्या हुआ, पहले जो मिल रहा था अब कुछ मिल रहा है, लेकिन अब पहले से कुछ ज़्यादा मिल रहा है, और वो ज़्यादा पूछा है वही एक्सेस है, वो ज़्यादा कितना मिल रहा है, पहले कुछ मिल रहा था अब पहले से कुछ ज़्यादा मिल रहा है, तो कुछ ज़्यादा पहले से कितना मिल रहा है वही सी को पूछा है। तो पहले कितना मिल रहा था, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, तो 1:4:2 इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन कितना था, जो ओरिजिनल था अपना वो कितना था, 1:4:1:5:1:6। अब मैंने ये भी बताया ये रेशियो तो अपॉन में दिया, तो अपॉन में इसको कन्वर्ट करना है मैं इस ऐसे इस फॉर्म में, न्यूमरेटर वाली फॉर्म में, तो मैंने क्या बताया रेशियो को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर, रेशियो को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे देर इज नो इफेक्ट ऑन दी रेशियो। तो मैं क्या करूँगा, इनका 5, 4, 5, 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 60, तो मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 60/4, 60/5 और 60/6, तो कितना हो जाएगा, 15:12:2 कितना हो गया, ये 15:12:10, तो ये रेशियो आ गया किसका, ABC का, इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये आ गया। अब ध्यान से देखना, अब फाइनल का क्या बनना है, जो जिसमें पैसा डिवाइड कर दिया है वो कितना है, इनिशियल का तो ये आ गया, और फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन का कितना आ गया, फाइनल का कितना दिया है सवाल में,
फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन का कितना दिया है, 4:5:6। आप एक बात बताओ यहाँ पे कौन सी चीज़ सेम हो रही है, कौन सी चीज़ सेम है यहाँ पे? ₹1.55 जो कि डिवाइड हो रहे हैं 1/4 के 6 में, यही तो रुपए सेम रहेंगे, क्योंकि पहले इस रेशियो में डिवाइड कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी को पहले रुपए तो बराबर ही मिलेंगे ए प्लस बी प्लस सी को, क्योंकि एक को ज़्यादा मिल जाएंगे अगर सेकंड केस में दूसरे को कम, तो भी रुपए तो जो बट रहे हैं वो तो कॉन्स्टेंट ही हैं। अब यहाँ पे ये ए प्लस बी प्लस सी का शेयर है और ये भी ए प्लस बी प्लस सी का शेयर है, अब जो मिलेगा क्योंकि रुपया कांस्टेंट है तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी के शेयर को तो बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ ज़्यादा मिलेगा तो यहाँ पे एक को कम मिल जाएगा और कुछ ज़्यादा भाई दूसरे को मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो रुपये डिवाइड हो रहे थे वो तो कांस्टेंट ही है, चाहे वो इसके रेशियो में डिवाइड करो चाहे वो इसके रेशियो में डिवाइड करो, तो वो तो सेम ही रहेंगे। जैसे मैं मान लो एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे 30 रुपी है, 30 रुपी है मुझे डिवाइड करना है 1:2 के रेशियो में, 1:2 के रेशियो में मैंने डिवाइड कर दिया। अब मैं अगर ए बंदा है ए बी बंदा है, मैं इसको 2:1 के रेशियो में भी डिवाइड करूंगा, तो क्या है अगर मैं इसको 2:1 के रेशियो में भी डिवाइड करता है, या मान लो कुछ और रेशियो में डिवाइड कर देता, 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर देता, तो ए प्लस बी के यहाँ भी रुपये 30 डिवाइड तो 30 में से ही हो रहे हैं, तो यहाँ पे ए प्लस बी का शेयर तो यहाँ पे 3 बनना है, यहाँ पे 5 बनना है, तो इसको सेम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि जो डिवाइड वाले होने वाले रुपए हैं वो भी अभी भी दूसरे केस में भी 30 हैं और पहले वाले केस में भी 30 है। अब जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे कितना आएगा ए का शेयर, यहाँ पे 10 और 20 आ जाएगा ए और बी का शेयर, लेकिन यहीं पे वहीं मैं बात करूँ तो 3 कितना आ जाएगा, 6, 18 और 12 आ जाएगा। अब इसको ऐड करना 18 प्लस 12 और 10 प्लस 2, 10 प्लस 20 जो ये भी 30 आ रहा है, ये भी 30 आ रहा है। मैं यही तो बोलना चाह रहा हूँ कि ए प्लस बी को मिलने वाले रुपए बराबर होंगे, ए प्लस बी को मिलने वाले रुपए क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पे तीन तीन चीज़ें हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो उनको भी मिलने वाले रुपए क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी को मिलने वाले रुपए यूनिट में क्या बराबर है, नहीं है। कैसे नहीं है? 5, 15 प्लस 12, 27, 27 और 10, 27 और 10 कितना हुआ, 37। और यहाँ पे कितना हो रहा है, 5 प्लस 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15। अब एक केस में कितना जा रहा है, एक केस में 15 जा रहा है और एक केस में कितना जा रहा है, 37 जा रहा है, तो ये तो बराबर है नहीं। तो अब बराबर नहीं है तो क्या करूँगा, या मैं एक तरीका ये भी कर सकता हूँ अगर आप चाहो तो, एक तरीका ये भी है कि पहले वाले केस में जो सी को रुपये मिल, क्योंकि सी की एक्सेस की अमाउंट बतानी है, तो सी की एक्सेस की अमाउंट बतानी, तो पहले वाले केस में सी को कितने मिल रहे थे, यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये तो समझाने के लिए था। पहले वाले केस में अगर इस रेशियो में रुपए डिवाइड होंगे तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सी का शेयर कितना होगा, सी शेयर, तो आप बोलोगे सी का शेयर कितना होगा भैया, 15:12:10 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो टोटल कितना है, 55। अगर 5555 रुपीज़ हैं और वो उस 37 की वैल्यू है, तो सी का शेयर ऊपर वाले केस में कितना है, 10 है, तो अब ये जाएगा, ये कितने टाइम्स जाएगा, 15 टाइम्स जाएगा। ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम में कि 37 से जो 111 होता है वो 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, अगर ये एक ही डिजिट 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, ये बाद की बात है, मैं बाद में बताऊंगा। और इस केस में सी का शेयर कितना होगा, इस केस में सी शेयर की बात करूँगा अगर मैं दूसरे वाले केस में, तो वो कितना होगा, तो उसकी बात करूँ तो 555 अपॉन, अब ये कितने की वैल्यू है, अभी 15 की वैल्यू है और कितने टाइम्स जाएगा, 6, तो 6 की वैल्यू मुझे चाहिए भाई सी ए का शेयर भैया, तो ये 37 हो जाएगा, 37 बार जाएगा। और ये ऊपर वाला 150 आ गया, और अगर ऊपर वाला 150 आ गया तो नीचे वाला कितना जा रहा है, नीचे वाला जा रहा है 2 और 4, 4 कैरी आ गई और कितना हो गया, 4, यानी 2 2 2। अब आप ये बात बताओ सी का से सी को इस केस में मिल रहे हैं 222 रुपये, इस केस में मिल रहे हैं 150 रुपये, तो मतलब कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं सी को, तो मतलब 150 में से मैं 22 में से 222 में से 150 हटा दूंगा, तो सी का एक्सेस का शेयर कितना आ जाएगा, सी एक्सेस शेयर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा सी का एक्सेस का शेयर, 222 में से मैंने 150 घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 72। और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप तो ये तो अभी एक तरीके से किया, अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से जानेंगे। पहले क्या किया, पहले इस रेशियो को मैंने सही
प्योर रेशियो में लाना चाहा क्योंकि ये अपॉन में था, तो इसको अपॉन में हटाने के लिए मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15:12:10 हो गया। अब मैं सी के शेयर की बात करूँ तो ये टोटल 37 की वैल्यू है। अगर ये टोटल 37 की वैल्यू कौन है, 37 की वैल्यू क्या है, 555। तो 555 अपॉन 37 एक यूनिट की वैल्यू पता चल गई, और मुझे 10 यूनिटी क्या दिया था, 10 यूनिटी क्या है सी का शेयर, तो इंटू 10 करके वो कितना आ गया, 150 आ गया। लेकिन भाई अगर मैं फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो 4:5:6 के रेशियो में था, तो वहां पर सी का शेयर कितना बनना था, वहां पर सी का शेयर 555 अपॉन ये टोटल 15 यूनिट की वैल्यू थी, और 6 यूनिट की वैल्यू सी का शेयर था, तो वो 222 आ गया, 222 3 टाइम्स आ गया। अब वो 222 3 टाइम्स आ गया, उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर उसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर एक्सेस का शेयर मुझे पता लगाना सी को कितना ज़्यादा रुपये मिले जो कि ओरिजिनल शेयर से, तो 150 में से मैंने माइनस कर दिया, तो वो कितना आ गया, 72 आ गया। और यही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बात करूं तो ये मेथड तो बेसिक बिल्कुल बेसिक है, अगर मैं दूसरे से बात करूं तो कैसे होता है, अभी देखते हैं उसको। अब अगर नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं तो ये तो मैंने पहले बोला ही था कि इनिशियल है, अभी आप लिख लेना खुद से यहाँ पर इनिशियल या ओरिजिनल। तो इसको मैंने जब 60 से डिवाइड मल्टीप्लाई करा था तो कितना आ रहा था, 15:12:10। और जो फाइनल वाला शेयर था वो कितना हो रहा था, यहाँ पे फाइनल की बात करूँ अगर, वो 4:5:6 के रेशियो में था। इतनी बात सब कुछ समझ में आई। अब मैं ये बोला था ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है, तो ए प्लस बी प्लस सी को तो बराबर होना चाहिए, तो ए प्लस बी प्लस सी क्योंकि बराबर होगा, क्योंकि सेम पे, क्योंकि सेम मनी उनमें ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मैंने अभी पिछले केस में वहाँ पर एग्जाम्पल लेके समझाया था। तो यहाँ पे ये 15 और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये 37 है, तो 15 और 37 को इक्वल बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं 37 × 15 बना सकता हूँ, क्योंकि क्योंकि 37 और 15 के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो उनका एलसीएम क्या होगा, 37 × 15। तो इस नंबर को मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसको 37 से, इसको 37 से, और इसको 37 से। अब क्या होगा, अब इन दोनों को सेम हो गया, कैसे सेम हो गया, जब 37 × 15 ऊपर वाला भी हो गया ए प्लस बी प्लस सी का शेयर, और नीचे में भी 37 × 15 हो गया। अब अगर सेम हो गया तो 37 × 15 की वैल्यू कितने के बराबर दी है, 37 × 15 की वैल्यू कितने के बराबर दी है, 37 × 15 यूनिट की वैल्यू, अभी एक सेकेंड, 37 × 15 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर दी है, 555 के। अब यही क्या होता है, ये भी क्या होता है, 37 × 15, तो इससे एक बार कट जाएगा और एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और अगर एक यूनिट की वैल्यू 1 आ गई तो मतलब जो यूनिट है उसकी जगह मैं 1 रख सकता हूँ, तो यहाँ पे भी यूनिट होगा, यहाँ पे भी सब जगह यूनिट, तो मतलब ये 150 ओरिजिनली 150 ही रहा होगा, और ये इसको मिल कितना रहा है, 37 × 6। तो एक्स्ट्रा में कितना मिल रहा है, एक्स्ट्रा में अगर यहाँ पे 37 × 6 की बात करूँ तो एक्सेस चीज एक्सेस शेयर कितना हो जाएगा, चीज एक्सेस शेयर की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 37 × 6 कितना होता है, 222 माइनस, क्योंकि एक यूनिट एक के ही बराबर है, तो यहाँ पे यूनिट हटा के बन रख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 222 − 150 = 72। तो इसको कैसे करा हमने, फिर से जाने के पहले इस रेशियो को इसमें ले आए, फिर मुझे पता ए प्लस बी प्लस सी का शेयर तो बराबर होना चाहिए दोनों के इसमें, क्योंकि सेम पैसा बट रहा है उनमें, तो अगर बराबर है तो उनको बराबर कर दिया, बराबर करने के बाद ये बच गया तो 37 × 15 यूनिट बन गया, वो किसके बराबर है, 555 के बराबर है। और अगर वो 555 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो मतलब यूनिट की जगह पर रख दिया तो वही, या एक्स की जगह पर रख दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू 1 यहाँ पे भी हो जाएगा, इंटू 1, तो इंटू 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही सेम नंबर रहेगा। तो अब ये सी को उसके इसमें ओरिजिनल में इतने रुपए मिल रहे थे, मिल इतने रहे, तो एक्स इसमें कितने मिल रहे हैं, 222 माइनस, इसमें से इसको घटा दिया और 72 आंसर आ गया। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब अगर बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि शीट का ही क्वेश्चन है, इन ए कलर्ड पिक्चर ऑफ रेड एंड ग्रीन, रेड एंड ग्रीन कलर इज यूज इन द रेशियो 2:3 इफ इन दी 2:3 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर रेड और ग्रीन का कितना दिया, रेड और ग्रीन, ये टोटल पिक्चर की बात है, 2:3। इफ इन दी अपर हाफ ग्रीन इज टू रेड इज 5:4, और अपर हाफ में जैसे कोई पिक्चर रही होगी, ऐसे कोई पिक्चर रही होगी ऐसे करके, ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी करा दिया था जिसमें क्या था, अर्थ था।
अर्थ में लैंड और वाटर का रेशियो दिया था, तो क्या कहते हैं इसमें 2:3 टोटल है, 2:3 टोटल है, और अपर हाफ में ग्रीन और रेड दिया है इसमें। इस बार क्या कर दिया उसने, ग्रीन और रेड। लेकिन हम इसमें अगर रेड और ग्रीन ले रहे हैं तो इसमें भी रेड और ग्रीन का रेशियो क्या रहेगा इसमें, रेड और ग्रीन, रेड बाद वाला है, रेड अगर बाद वाला है तो 4:5 रहेगा। ये अपर हाफ की बात है और ये लोअर हाफ की, और ये पूरे की बात है। अब मैंने बताया था ये अपर हाफ और ये लोअर हाफ, तो अगर ये पूरा आया तो ये पूरा इसका दोगुना होगा, क्योंकि आधे का पूरा क्या होता है, दोगुना होता है। तो पहले तो मैंने बताया था कि अगर इनको क्या करना पड़ेगा, 2:1 का रेशियो बनाना पड़ेगा, और 2:1 बनाने के लिए पहले इनको इक्वल बनाना पड़ेगा, फिर वहां से 2:1 का रेशियो बनाएंगे। तो 2 और 3 को और 4 और 5 को इक्वल बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या ले सकते हैं हम, 2 और 2:3 को और 4 और 5 को इक्वल कैसे बनाया सकता है। ये टोटल 5 होगा, ये टोटल कितना होगा, 9 होगा, क्योंकि टोटल ही तो होगा, टोटल को ही तो बनाने की बात करी गई है। क्यों, क्योंकि टोटल को इसलिए करी गई क्योंकि कलर्ड पिक्चर है, पिक्चर में अपर हाफ में रहेगा और लोअर हाफ रहेगा, तो लोअर हाफ और अपर हाफ में टोटल रेड प्लस ग्रीन होगा, और इसमें भी तो टोटल को ही इक्वल बनाने की बात करी गई है 2:1 में। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले 4:5 है ये, और ये कितना है 2:3। अब 4 और ये कितना हो गया, 4:5 9 हो गया, और 2:3 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 और 9 को कैसे इक्वल बनाया सकता है, मैं बोलूँगा उनके एलसीएम पर उनको इक्वल बनाया जा सकता है आसानी से। तो उनका एलसीएम कितना होगा, उनका एलसीएम होगा 45। तो 45 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 45 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये क्या हो गया, अब ये इक्वल हो गए। लेकिन ये वाला तो क्या है, टोटल अगर पेंटिंग को डिनोट कर रहा है तो ये वाला तो 2:1 के रेशियो में होना चाहिए, तो इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये कितना हो गया, अभी अगर इसकी बात करें तो ये 36:54 हो गया, अभी 36:54 हो गया। इतनी बात सबको समझ में आती है। और अगर 36:54 हो गया, ये पूरे रीजन को डिनोट कर रहा है, और अगर मैं अपर रीजन की बात करूँ, मैं अपर रीजन की बात करूँ, अगर अपर पेंटिंग की बात करूँ, तो उसमें कितना हो गया, 20:25। अब ये भी रेड है और ये ग्रीन है। अब एक बात बताओ, और उधर भी ये रेड है ये ग्रीन है। अब एक बात बताओ, अगर मुझे कोई कोई भी दो चीज़ें हो उनमें रेड कलर पाया जा रहा है, तो कैसा होगा रेड कलर, कैसे होगा, क्योंकि पहले वाले में जितना होगा प्लस दूसरे वाले में जितना होगा उतना ही तो टोटल पेंटिंग में होगा। या मैं ऐसे बोलूँ कि पहले टोटल पेंटिंग में से अगर मैं पहले वाले रीजन का कलर माइनस कर देता हूँ तो दूसरे वाले रीजन में रेड कलर आ जाएगा। तो अब ये टोटल पेंटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है रेड कलर, और ये पहले वाले रीजन में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 36 - 20 कितना हुआ, 16 हुआ, और ये कितना हुआ, 54 - 25 कितना हुआ, 54 - 25 कितना हुआ, 29 हुआ। और यही क्या हो गया, रेड और ग्रीन का रेशियो हो गया। इसमें क्या पूछा, ग्रीन है रेड, तो उल्टा कर देंगे 29:16, और यही रेशियो हो गया किसमें, लोअर हाफ में। अब मैंने कैसे करा इसको, मैं फिर से समझाता हूँ कि पेंटिंग थी, पेंटिंग में टोटल में 2:3 दिया था रेशियो, और अपर वाले रीजन में कितना दिया था, 4:5 दिया था। तो अगर दो हाफ हैं इसके पेंटिंग के, तो जो टोटल होगा वो हाफ का तो दोगुना होगा, जैसे टोटल है 18 और हाफ कितना होगा उसका, 9 होगा। तो 18:9 कितना हो रहा है, 2:1। तो पहले 2:1 बनाने के लिए मैंने ये बोला इसको 1:1 में बनाओ, तो 1 मतलब बराबर बनाओ, तो बराबर बनाने के लिए मैंने क्या किया, 4 और 5 टोटल कितना हुआ, 9 हुआ। इसमें 4, 2 और 3 टोटल कितना हुआ, 9, 5 हुआ, टोटल 5 हुआ इसमें, उसमें 9 हुआ टोटल। और फिर टोटल को 5 और 9 को मैं किस पे इक्वल बनाया सकता हूँ, किस पे इक्वल बना सकता हूँ, उसके एलसीएम पे इक्वल बना सकता हूँ। और उन दोनों का एलसीएम कितना होगा, उन दोनों का एलसीएम की बात करूँ तो कितना होगा, उन दोनों का एलसीएम होगा 45। तो मैंने इसको 45 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई, इधर 5 से मल्टीप्लाई, इधर 9 से मल्टीप्लाई, इधर 5 से मल्टीप्लाई, तो अभी इक्वल बन गया। अब इसको मुझे 2:1 में भी बनाना था, तो इसको फिर क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको फिर क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना बन गया, 36:54 बन गया, 36:54 बन गया। और अगर ये 36:54 बन गया, और जो अपर वाले हाफ में कितना था, 20:25, तो अगर मैं टोटल में से अपर वाला हाफ हटाऊंगा तो नीचे वाले हाफ का मुझे मिल जाएगा रेड और ग्रीन का रेशियो। तो ये वाला रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन मुझे उल्टा पूछा है ग्रीन और रेड का, तो इसको भी उल्टा कर देंगे, 29:16। ये क्या हो जाएगा, ग्रीन और रेड, यही क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। और ये मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आएगा। अब एक और चीज़ देखते हैं, जैसे ये एक और कॉन्सेप्ट जानते हैं यहाँ पे, क्या कॉन्सेप्ट जानते हैं, इसको मिटा रहा हूँ पहले मैं,
इसमें एलिगेशन भी लग सकता है, लेकिन वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो उसको अभी नहीं लगाएंगे। मैं एक सवाल को करने के मैंने पहले ही बोला है, मैं बहुत से मेथड दूंगा, जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अब एक चीज़ देखेंगे, जैसे दो रेशियो दी हैं 2:3 और 3:7। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों रेशियो को मुझे 2:3 के रेशियो में बनाना है, 2:5 के रेशियो में बनाना है, 2:5 के रेशियो में, मतलब अगर ये वाला 2 होगा और ये वाला 5 होगा तो मुझे 2:5 बनाना है। तो मैंने पहले ही बोला था कि किसी भी रेशियो में बनाना हो तो पहले उनको क्या बनाना है, इक्वल बनाना है, तभी वो 2:5 के रेशियो में बन पाएंगे। तो पहले इक्वल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये कितना दिख रहा है, मुझे 5 दिख रहा है, एक सवाल में यूज होगी ये चीज़, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अभी इसमें यूज हुई थी तो उसमें तो 2:2 बनता, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो गया दोनों रेशियो को 2:5 करके हो गया, दोनों में बैलेंस करना पड़ रहा है, तो क्या करेंगे, तो 2:3 ये कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 3:7 10 हो रहा है। तो 5 और 10 को मैं किस पे इक्वल बना सकता हूँ, मैं उनके एलसीएम पे इक्वल बना सकता हूँ, और इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 10 होगा, तो ये तो पहले से ही 10 है, इसको 10 बनाने के लिए (2)(2)(2), इतनी बात समझ में आती है। अब ये 10 बन गया, अगर ऊपर वाला अब 10 बन गया, फिर इसको किस में बनाना है, 2:5 में, अभी ये इक्वल है, अभी इक्वल है, और एक अभी ये इक्वल है, अभी ये दोनों इक्वल हो गए, अगर अभी ये दोनों इक्वल हो गए तो इनको 2:5 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले को, अगर ऊपर वाला 2:5, अगर ऊपर वाला 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं क्या करूँगा, इसको (2) कर दूंगा, और इसको भी (2), और लेकिन इसको मुझे 5 बनाना है तो इसको 5 कर दूंगा। अब लेकिन अब अगर आप अब चेक करोगे तो ये 2:5 के रेशियो में रिप्रेजेंट कर जाएगा, कैसे कर जाएगा, टोटल ये कितना हो रहा है, ये टोटल मुझे बताओ, 2 × 2 × 2 = 8 (2) × 2 × 3 यानी कि 12, नीचे वाला 15 और ये वाला 35, 8 + 12 = कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 15 + 35 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 20 ऊपर वाला 20 हो गया और नीचे वाला कितना हो गया, 50 हो गया, तो ये कट के कितना आ गया, 2:5, मतलब ये हमने सही बनाया। तो ये तो एक तरीका है, इसको वैसे याद कैसे रखना है कि पहले तो उनको इक्वल बनाए, अगर जैसे मान लो मैं दूसरा रेशियो देता हूँ, इसको आपको खुद से करके देखना है, 3:4 और 3:2 है एक रेशियो, इसको मुझे किसके रेशियो में बनाना है, इसको मुझे 2:2, हाँ इसको मुझे मान लो 2:3 के ही रेशियो में बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे क्या दिख रहा है, पहले 3 और 4 कितना होता है, 7, नीचे वाला 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, तो 7 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 35, पहले इनको इक्वल बनाओ, तो 35 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी 7 है, तो ऑलरेडी 7 है तो (5)(5), लेकिन अब वहीं ये कितना है, 5 है, तो इसको (7)(7), इतनी बात सबको समझ में आती है। अब ये (5)(5) हो गया, अब इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 से मल्टी, क्योंकि ऊपर वाले को 2 बनाना है नीचे वाले को 3, तो इसके लिए 2 × 5 × 3 = 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे ऊपर वाले को, नीचे वाले को कितने थे, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अभी इक्वल हो गए, तो 2 × 7 × 3। अब अगर आप इसको जब ऐड करके देखोगे तो 2:3 के रेशियो में आएगा, टोटल कैसे आएगा, ये कितना हो रहा है, 30 हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 40, यानी 70, 70 बन गया, और ये कितना हो रहा है, 3 3 21 21 इंटू 3 63 63, और ये वाला कितना हो रहा है, 63, ये वाला कितना हो रहा है, 42, 63 और 42 यानी 105, 105, और ऊपर वाला कितना हो रहा था, 70, 70/105 कितना होता है, 2:3, तो ये बन गया। तो अभी सवाल में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कैसे पड़ेगी वो मैं अभी बताऊंगा, आपने सीखा होगा ये कॉन्सेप्ट था बेसिक कैसे बनाते हैं, अब इसको खुद से घर पर 2-3 रेशियो लेके ट्राई करना है, इससे आपकी परफेक्शन आ जाएगी। अब अगर बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था रेशियो वाला, उस पर ये डिपेंड रहेगा, इसलिए मैंने उसको बताया था, अब ये क्वेश्चन करेंगे जो इनकम वाले सवाल बच गए हैं कुछ, फिर उसके बाद थोड़े से कुछ और सवाल हैं, फिर रेशियो हमारा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद एक दो कॉन्सेप्ट पर सवाल और बचते हैं, लेकिन फिर भी मैं जितनी होगी उतनी प्रैक्टिस करा दूंगा आपके लिए, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। पहला टॉपिक है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ एबीसी इज 7:9:12 एंड देयर एक्सपेंडिचर इज 8:9:15। इफ द सेविंग ऑफ एज 1/4 ऑफ इट्स इनकम देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सेविंग। अब एक बात बताओ, इनकम किसके बराबर होती है, इस सवाल को करने से पहले, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर
प्लस सेविंग, यही तो इनकम इसी के बराबर, ये तो सबको पता होगा। फिर जितना खर्च कर रहे हैं और जितना बचा रहे हैं वही तो हमारी क्या होगी, इनकम होगी। ये बात सबको समझ में आती है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो अगर ये बात समझ में आती तो इसको मैंने अभी ऐसे लिखा था, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ समझाने के लिए। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे इनकम का रेशियो दिया है, कितना दिया है, इनकम यहाँ पे ए बी और सी कितना दिया, 7:9:12, और एक्सपेंडिचर कितना दिया है, अभी वही वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, एक्सपेंडिचर कितना दिया है, 8:9:15। इफ द सेविंग ऑफ एज 1/4 ऑफ इट्स इनकम, अब इस लाइन का मतलब क्या है, सेविंग कितना है, अभी मैं समझा रहा हूँ, सेविंग ऑफ ए, ए की सेविंग, सेविंग ए लिख देता हूँ इधर, कितनी है, 1/4 है किसकी, इनकम का। अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि 1/4 अगर इसकी इनकम का है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर 4 यूनिट इनकम रही होगी तो 1 यूनिट क्या कर रहा होगा, सेव कर रहा होगा। ये बात भी सही है कि अगर 4 यूनिट इनकम रही होगी तो 1 यूनिट क्या कर रहा होगा, सेव कर रहा होगा। वैसे मैंने इधर ऐसे ही लिख दिया इसको ऐसे भी, यानी सेविंग ए की है, सेविंग ए और इनकम ए का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट अब पता होनी चाहिए यहाँ से, जैसे किसका पूछा है तो वो नीचे वाले को रिप्रेजेंट करेगी, यानी 4 जिसका बोला, और ऊपर वाला जो जो कहा गया है सेविंग को बताया गया तो सेविंग को रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी अगर 1 यूनिट सेविंग है और 4 यूनिट इनकम है, तो इनकम में से अगर मैं सेविंग घटाता हूँ तो क्या बचता है मेरे पास, एक्सपेंडिचर बचेगा, जैसे मैंने ऊपर लिखा था, तो एक्सपेंडिचर बचेगा, एक्सपेंडिचर तो यानी एक्सपेंडिचर कितने यूनिट रहा होगा ए का, एक्सपेंडिचर ऑफ ए और इनकम ऑफ ए का रेशियो कितना रहा होगा, कोई बताएगा, इनकम का रेशियो जब ये 1 यूनिट खर्च कर रहा है और 4 यूनिट कमा रहा है तो कितने यूनिट बचा रहा है, 3 यूनिट बचा रहा है, 3 यूनिट, 1 यूनिट सेव कर रहा है और 4 यूनिट कमा रहा है तो कितने यूनिट खर्च कर रहा है, 3 यूनिट, तो यानी 3 यूनिट खर्च कर रहा है कितने पे, 4 यूनिट पे। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया, ये एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो क्या आ गया, 3:4, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर इनकम का रेशियो 3:4 आ गया। अब मैंने क्या बोला, ये किसका, ए का। अब मैंने क्या बोला, अगर इसको अब इनकम को और एक्सपेंडिचर को हमें 3:4 बनाना है, तो मैंने क्या बताया था, पहले पहले इनको क्या बनाना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा, फिर इनको क्या बनाएंगे, 3:4 बनाएंगे। तो 7 और 8 को कैसे इक्वल बना सकता है, मैं उनके एलसीएम पे इक्वल बना सकता हूँ, और इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 56 होगा। तो इसको 56 बनाने के लिए इंटू एट सब में मल्टीप्लाई होगा ना, एक में तो होगा नहीं, इंटू सेवन। फिर अब क्या बोल, अब इनकम कितने यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है, 4 को, तो अब इसको इसके रेशियो क्या बनाना है, इंटू फोर इंटू थ्री, और ये भी क्या, इंटू 3। तो अब ये कितना हो गया, अब ये इनकम हो गई, ये एक्सपेंडिचर हो गई, और अगर मैं इन क्या पूछा था, सेविंग का रेशियो पूछा था, तो इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर हटा दूंगा तो क्या सेविंग नहीं बचेगी, सेविंग बचेगी। तो अब ये क्या बचेगा, इंटू 3 है, ये क्या बचेगा, 5, 56 इंटू 4 और 56 इंटू 3 नीचे वाला बनना, तो 56 बचेगा नीचे वाला, ये क्या है, ये क्या है, सेविंग है। अब इसकी बात करूं तो ये कितना होगा, 9:32 और 9:27, तो यानी 9:5, यानी कि 9:5 यानी कि 45 रेशियो। अगर मैं वहीं अब इस रेशियो की बात करूं तो ये कितना होगा, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 12 इंटू 8 96 96 इंटू 4 96 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 360 360 384 384, और नीचे वाला कितना होगा, 105 105 इंटू 3 105 इंटू 3 यानी कि 315, तो 384 माइनस 315, तो 384 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 84 माइनस 15 आ जाएगा 69। तो ये क्या हो गया, 84 माइनस 15 ये आंसर हो गया। अब कैसे निकाला, फिर से मैं रिपीट करता हूँ,
फिर सेविंग, एक ही सेविंग और एक ही इनकम का रेशियो मुझे दिया था कितना, इसके अलावा इनका मतलब यही हुआ 1/4 अगर इनकम का सेव कर रहा, तो अगर इनकम 4 रही होगी तो क्या कहते हैं सेविंग कितनी रही होगी, 1 रही होगी, और अगर सेविंग 1 यूनिट रही होगी और इनकम 4 यूनिट रही होगी तो 3 यूनिट कहाँ गए, मतलब 3 यूनिट उसने खर्च कर लिए, और अगर 3 यूनिट उसने वो एक्सपेंडिचर कर रहा है तो अगर उसका 3 यूनिट एक्सपेंडिचर है और उसकी इनकम कितने यूनिट थी, 4 यूनिट, तो 3/4 क्या हो गया, 3/4 क्या हो गया उनकी एक्सपेंडिचर से इनकम का रेशियो हो गया किसका, ए का। अब ए की एक्सपेंडिचर यहाँ पे 8 दी थी, यहाँ पे इनकम 7 दी थी, तो मैंने कहा इसको 3:4 बनाना है, और लेकिन 3:4 बनाने के लिए मैंने क्या बोला था, पहले इनको इक्वल बनाना पड़ेगा, तो 7 और 8 को किस पे इक्वल बनाया जा सकता है, उनके एलसीएम पे, और उनका एलसीएम क्या होता है, उनका एलसीएम क्या होता है 56, तो 56 इनका एलसीएम हो गया, अगर अगर 56 इनका एलसीएम हो गया तो 56 पहले हमने 8:7 और 7:8 करके बना लिया, अब 56 बन गया, फिर इसके बाद इसको क्या बनाना था, ऊपर वाले को 4, क्योंकि इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा था, क्योंकि इनकम किसको रिप्रेजेंट कर रही थी 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे वाले को अगर एक्सपेंडिचर हो तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अभी कितना हो गया, अब इसको इनकम में से एक्सपेंडिचर को हटाएंगे तो क्या आएगी, सेविंग आएगी, और सेविंग इस रेशियो में आ जाएगी, इसमें से इसको हटाएंगे, इसमें से इसको हटाएंगे, तो 56:5, 45:69 के रेशियो में सेविंग आपकी आ जाएगी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई मेरे से, मैंने ध्यान नहीं दे पाया क्या कि और तो सब सही है, सब आ रहा था, ये क्या हो जाएगा 9×32 और ये 9×21, तो 9×32 में से 9×21 जाएगा तो क्या बचेगा, 9×11 यानी कि 99। अब ये सही हो जाएगा, वो मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दे पाया था, अब ये 99 हो गया, तो अब इसका आंसर सही है। अब लेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है, वही इनकम पे और एक्सपेंडिचर पे सवाल है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी सी इज 4:5:7 एंड देयर एक्सपेंडिचर इज 7:8:9 इफ द सेविंग ऑफ बी इज 12.5% ऑफ इट्स इनकम। अब इस सवाल में, पिछले सवाल में क्या डिफरेंस था, उसमें सेविंग्स ऑफ बी का रेशियो दिया था किससे, इनकम ऑफ बी से, लेकिन इसमें क्या दिया, रेशियो तो दिया है इसमें लेकिन परसेंटेज में दिया, तो आपको अभी परसेंटेज का हल्का पूरा हल्का सा आइडिया तो होगा, बाद में मैं पढ़ाऊंगा ही, लेकिन इतना तो बेसिक आना चाहिए कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इतना तो मैं पता है कि 12.5% में से, मैं तो इसको 1/8 डायरेक्ट लिख दूंगा, लेकिन आपके लिए बताता हूँ कि 12.5% को अगर मैं मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो मैं कैसे करूँगा, 12.5/100, किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में से चेंज करने के लिए अपॉन 100 करते हैं, और जब मैं यहाँ से इसको जीरो, तो नीचे 0 बढ़ जाएगा और ऊपर कितना हो जाएगा, ये 1/8 टाइम्स चला जाएगा, तो मतलब क्या दिया है, सेविंग ऑफ बी, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसको, सेविंग बी और इनकम बी का रेशियो कितना हो गया, कितना हो गया 1/8। अब 1/8 का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे मैं 12.5 की जगह हटा के मैं क्या रख दूंगा, 1/8, अगर मैं 1/8 रखूंगा अगर, तो 1/8 अगर रखूंगा मैं तो अब क्या हो जाएगा, ये 1/8 रखूंगा तो 8 क्या रही होगी, इसकी इनकम रही होगी, और मैंने बताया था जिसके ऑफ जिसमें लगा है उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, नीचे वाली वैल्यू, और 1 किसको रिप्रेजेंट करेगी, जो इसकी आगे वाली को एक्सप्लेन कर रही होगी, जैसे सेविंग ऑफ बी, तो सेविंग को रिप्रेजेंट क्या करेगा, 1 करेगा, और इनकम को रिप्रेजेंट क्या करेगा, 8 करेगा, तो सेविंग और इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/8। अगर 1/8 सेविंग और इनकम का रेशियो हो गया, तो एक बात बताओ आप, सेविंग और इनकम का रेशियो 1/8 हो गया, तो 1 यूनिट अगर खर्च कर रहा है, 8 यूनिट अगर कमा रहा है तो 1 यूनिट खर्च कर रहा है, तो 7 यूनिट कहाँ गए उसकी इनकम में से, 7 यूनिट उसने खर्च कर लिए, ये सेविंग थी 1 यूनिट, 7 यूनिट खर्च कर लिए, तो यहाँ पे सवाल में मुझे क्यों, मुझे एक्सपेंडिचर ही चाहिए, क्योंकि एक्सपेंडिचर और इनकम ही दिए, तो उसके टर्म्स में लाएंगे तभी कुछ बात बनेगी, तो यानी कि सेविंग, अब मैं उधर लिख रहा हूँ इसको, क्योंकि ये वाली चीज़ मैं नीचे लिखूंगा, तो सेविंग, तो एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो कितना होगा, बी का, ये बी का है नहीं, बी 7/8 होगा, अगर 7/8 इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो हो गया, तो अब मैं अब क्या लिखूंगा, इनकम को लिखूंगा 4:5:7, 4:5:7, ये क्या है, ये क्या है बी, ये क्या है सी, ये क्या है इनकम है, इनकम रही होगी, अगर ये इनकम है और नीचे वाला क्या है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया 7,
9। अब मैंने क्या बोला, बी की एक्सपेंडिचर और बी की इनकम का रेशियो कितना बनाना है, 7:8 बनाना है, क्योंकि सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। अभी तो हो नहीं रही सेटिस्फाई, 5 और 8, अभी कहाँ 7:8 कहाँ बनना है इनका। तो मैंने कहा पहले इनको क्या बनाना पड़ेगा, इक्वल, और इक्वल किस पर बनेंगे, एलसीएम पर। तो 5 और 8 का एलसीएम 40 होता है, तो इसको इंटू 8 कर देंगे 40 बनाने के लिए। इसको भी इंटू 8, इसको भी इंटू 8, अब ध्यान से देखना, इसको भी इंटू 5 और इसको भी इंटू 5, फिर इसको इंटू 5। अभी इतना हो गया, अगर ये अब इतना हो गया तो इंटू 8 इंटू 8, अब इसको अभी इक्वल बन गया। मैंने क्या बोला, इसको 8:7 के रेशियो में बनाना, इनकम को 8 और एक्सपेंडिचर को 7। तो इसको इंटू 8 फिर से, और इसको भी इंटू 8, इसको भी इंटू 8, इसको इंटू 7, इसको इंटू 7, इसको इंटू 7। अब जब मैं अब इसको निकालूंगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर को हटाऊंगा अगर मैं, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा मेरे पास, 4 इंटू 8 इंटू 8, तो ये कितना हो गया, 64 इंटू 4, 64 इंटू 4 कितना हो गया, 240, 240 और 256, 256 और ये 35 इंटू 7 इंटू 4 5, 256 और 245 यानी कि 250, यानी 11, ये कितना हो गया, 64 इंटू 4 यानी 256, और 256, 35 इंटू 7 इंटू 4 5, तो यानी 11 बची। क्या बची, ये सेविंग किसकी, एक ही रेशियो। अब 5 इंटू 8 और 8 इंटू 5, तो ये कितना बचा, 40, क्योंकि 5 इंटू 8 40, 40 40 इंटू 8 और ये 40 इंटू 7, तो ये कितना बचा, 40 बचा। अब ये इसकी बात करूँ तो 64 इंटू 7, 64 इंटू 7 और ये 35 इंटू 9। अब इसको इंटू करके देखना पड़ेगा, 64 इंटू 7, 8 2 4 4 8, 4 4 8 इसकी क्या हुई, 4 4 8 क्या हुई, इसकी इनकम हो गई। और अगर इसकी सेविंग की बात करूँ, इसकी अगर एक्सपेंडिचर की बात करूँ, तो कितना हो जाएगा, 35 इंटू 9, 35 इंटू 9 350, 315, 315। अगर इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 1 1 3 3, और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैसे करा फिर से बताता हूँ, इनकम क्या थी, 4:5:7 थी, 4:5:7 को पहले मैंने इसमें परसेंटेज दी थी, इसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, कैसे, अपॉन 100 करके, ये 1/8 आ गई, तो यानी कि सेविंग 1 थी और इनकम क्या थी, 8 थी। फिर एक्सपेंडिचर क्या होगा, 7 होगा और इनकम क्या होगी, 8 होगी। पहले इन दोनों को सेम बनाया हमने, क्या था, 5 था, किसकी बात की थी, बी की, तो बी को पहले 5 थी, यहाँ पे 8 थी, तो पहले इसको सेम बनाया 5 इंटू 8 करके, तो पूरे में 8 जाएगा, इसमें इंटू 5 तो पूरे में 5 जाएगा। फिर इसको 8:7 बनाना था, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से मल्टीप्लाई, फिर क्या कर दिया, फिर इसको 4 इंटू 64 कितना होता है, 256, और 35 इंटू 7 कितना होता है, 245, तो 2 4 5 6 -245 11 बचेगा, और 5 इंटू 8 40, 40 इंटू 8 14 इंटू 8, और ये 14 इंटू 7, तो 40 इंटू 8 -7 यानी 8 -7 इंटू 1 40 के मल्टीप्लाई 12 के साथ, तो यानी ये 40 बचेगा। अब ये वाला 64, 64 इंटू 7 बनना था, तो 8 और 2, तो 2 7 4 7 6 जा 42, 42 और 2 कैरी का, तो 44, तो 4 4 8, और ये कितना हो गया, 35, 35 इंटू 9 यानी 315, 315 यानी 85, 85 से कितना जाएगा, 3, और 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 3, और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और यही क्या आ जाएगा, इनकी सेविंग का रेशियो आ जाएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि इनकम एक्सपेंडिचर पर बेस्ड है, और ये सभी सीट के क्वेश्चन में डिस्कस करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, द इनकम रेशियो ऑफ ए बी सी इज 3:7:4 एंड देयर एक्सपेंडिचर रेशियो इज 4:3:5। ए शेप्स, अब यहाँ पर क्या था, पिछली बार शुरू में डायरेक्ट रेशियो दे दिया था, फिर परसेंटेज में, अब इस बार रेशियो नहीं दिया, 3,300 आउट ऑफ इनकम ऑफ ₹2,400 में दिया। तो ए और बी की सेविंग, ए और बी के, अगर ए की इनकम का और एक्सपेंडिचर का मैं बात करूं, अगर मैं सेविंग का, सेविंग ए और इनकम ऑफ ए के रेशियो की बात करूं अगर, तो वो क्या आएगा, अगर मैं रेशियो निकालना है तो 3:0/2,440, तो कितना आ गया, 1/8। अब मुझे यहाँ से सेविंग और इनकम का रेशियो मिल गया, सेविंग और इनकम का रेशियो मिल गया, तो एक्सपेंडिचर इनकम का भी रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि वही मुझे चाहिए होगा सवाल को सॉल्व करने के लिए। अगर एक यूनिट खर्च कर रहा है, एक यूनिट बचा रहा है और 8 यूनिट कमा रहा है, तो 7 यूनिट का क्या थी, 7 यूनिट क्या थी, एक्सपेंडिचर थी, एक्सपेंडिचर ऑफ ए
इनकम ऑफ ए कितना आ जाएगा, 7/8। और अगर ये 7/8 आ गया आप तो इस सवाल को कर ही लेंगे। क्या पूछा, देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन सेविंग ऑफ बी एंड सी। पहले मैं उनका रेशियो निकाल लेता हूँ, अगर रेशियो निकाल लूंगा तो उनकी सेविंग में डिफरेंस भी आसानी से निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा रेशियो, 3:7:4 ये क्या है, इनकम का रेशियो। ए बी और सी, लेकिन वहीं इनके एक्सपेंडिचर के रेशियो की बात करूं तो वो क्या हुआ, 4:3:5 होगा, ये हो गया। अब क्या बनाना है मुझे, एक्सपेंडिचर और इनकम एक ही क्या बनाना है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। देखो रेशियो में क्या करना है, आपको एक बात ध्यान रखना, आपको हर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए चलना है। जैसे इस यहाँ पे 7:8 बनना है, इसको भी देखना है, इसको भी। अब ऐसे तो अभी तो बनना नहीं 7:8, तो इसको 7:8 बनाने के लिए मैंने क्या बोला था, पहले इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, अब ये दोनों इक्वल हो गए, एक ही बात की है क्योंकि अब इक्वल हो गए। अब उसकी इनकम क्या है, 8 यूनिट है, तो इंटू एट इंटू एट इंटू एट इंटू सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन। अब ये यहाँ तक आपको सभी बात समझ में आई होगी, इनका रेशियो क्या हो गया, 8:7 हो गया ए का। अब मैं बता सकता हूँ, अब ये इसकी अगर मैं सेविंग की बात करूँ तो सेविंग का रेशियो क्या रहा होगा। अब मुझे तो बी एंड सी का ही केवल पूछा है क्या, सेविंग का रेशियो बी एंड सी का, मैं सेविंग का डिफरेंस पूछा तो केवल इनका ही निकाल देता हूँ, ए का नहीं निकाल रहा मैं। निकालने को ए का भी आ जाएगा क्या, 12:8, 12:7 12:74 ये कितना हो गया, 7:4 यानी कि 28, 28:8 28:8 यानी कि 16, 16 कम रह जाएगा कितने से, 2:4 हो जाएगा, 28:8 हाँ 2:4 2:4 और 9 9 7 जा 63, 2:4 और 63 1:4 और ये कितना हो जाएगा, 1:6 और 1 1:6 1 एस टू। अब अगर इसकी बात करूँ 16:8 16 8 जा 16, अगर 8 जा की मैं बात करूँ तो 1:28 होगा, 1:28 और क्या कहते हैं, 21:5 21:5 105 128 और 105 अगर जाएगा उसमें से तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। और अब 23 बचेगा, अब एक चीज़ देखना, इन दोनों की शेविंग का डिफरेंस है कितने यूनिट, कितने यूनिट बनना है यहाँ पे, 61 और 63 23 जा, तो यानी बन डिफरेंस यहाँ पे लिख देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन शेविंग ऑफ बी एंड सी कितना बनना है, 1:38 यूनिट 1:38 x या यूनिट कुछ भी बोल लो यूनिट। अब मुझे पता है कि एक ही सेविंग एक ही इसमें इनकम क्या दी है, अगर और या मान लो एक ही सेविंग कितनी दी है, 30 और ये कितने यूनिट की वैल्यू है, 12 यूनिट की। तो अगर 12 यूनिट की वैल्यू कितनी के इक्वल दी है, 12 यूनिट की वैल्यू 300 के इक्वल दी है, तो एक यूनिट की कितने के बराबर, 25 के बराबर। और 1:38 यूनिट की कितने के बराबर, 1:38 × 25। तो अब इसको इंटू करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आया। कैसे करा मैंने इसको, मुझे पहले क्या दिया था, मैंने पहले इसको ये लिख लिया और सेविंग और इनकम का एक एक का रेशियो निकाल लिया, कैसे, 3। अगर 300 बचा रहा है और 2400 की टोटल इनकम थी तो उनका रेशियो कितना आ गया, 1:8। अगर 300 बचा रहा, 1:8 अगर एक यूनिट बचा रहा है और 8 यूनिट कमाए थे तो एक 7 यूनिट का आगे उसने खर्च कर लिया, तो 7 यूनिट अगर खर्च कर लिए और इनकम कितनी थी, 8 यूनिट थी। अब यहाँ पर मुझे इसकी इनकम और एक्सपेंडिचर के रेशियो को 7:8 बनाना था, तो यहाँ पे कंडीशन अभी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, अगर हो जाती तो बात ही खत्म थी, अगर नहीं हो रही तो फिर क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को इक्वल बनाया मैंने, 3 और 4 को इक्वल किस पे बनाया, उनके एलसीएम पे बनाया, तो इसको इंटू 4 कर दिया, इसको इंटू 3 सभी को कर दिया इधर, फिर इसको इंटू 8 कर दिया, इसको इंटू 7 कर दिया, तो ये कितना हो गया, 12 इंटू 8 और 12 इंटू 7 तो यानी कि 12, फिर ये कितना हो गया, 28 इंटू 8 28 इंटू 8 कितना जाएगा, 16 कम रह जाएगा 240 से, तो 240 से 16 कम रह जाएगा तो 224 बच जाएगा, तो 224 बच गया, 224 में से अब ये कितना बनना है, 60 हाँ ये कितना बनना है, 63, 224 में से 63 घटाया, अगर 63 घटाया तो 1:6 बच गया,
और ये कितना बनना था, 16 8 जा, 16 8 जा कितना होता है 128, 128 में से कितना जाएगा 104, 128 में से 104 जाएगा तो 23 बचेगा, 23 बचेगा तो 23 बचा, अब 23 बचा तो इनकी सेविंग के बीच का डिफरेंस पूछा अभी और सीके के बीच का, तो 161 में से अगर 23 जाएगा तो 1380 यूनिट बचेगा। अब मुझे पता था कि एक कितना सेव कर रहा है, 300 रुपये सेव कर रहा है, और सब और यहाँ पर कितने यूनिट में कर रहा था, 12 यूनिट में कर रहा था, तो 12 यूनिट की वैल्यू 300 के बराबर, एक यूनिट की वैल्यू 25 रुपये के बराबर, एक यूनिट की वैल्यू 25 रुपये के बराबर, तो 13 यूनिट की वैल्यू 1,38,25 रुपीज़ के बराबर। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, 25,020 इधर आ जाएगा, अब जो भी इसको सॉल्व कर लेंगे और वही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा आयो।